भाई रात को सोने से पहले बस एक ही दुआ मांगकर सोया था मैं कि जो टॉर्चर कुली नंबर वन देखने की वजह से मेरे दिमाग ने झेला है वैसा टॉर्चर सुबह मैच देखने से ना हो। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र। जी हाँ, मैंने और बहुआ ने हम दोनों ने कल एक साथ बर्थडे की मम्मी दीदी और दिमाग की दही करी है कुली नंबर वन देखकर। वो तो भला हुआ इंडियन क्रिकेट टीम का जिन्होंने सुबह 5 बजे से ही वीकेंड अच्छा बनाने का काम चालू कर दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंडिया के मेकशिफ्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस तो हारा लेकिन हम चाहते हैं वो बाजीगर हो जाए। एक सेकंड, बाजीगर क्यों? क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है कि नहीं? टॉस हारना रहाणे को सूट भी किया क्योंकि उनके बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का बिल्कुल वैसे ही शिकार करना शुरू किया जैसे डिस्कवरी चैनल पर हमने शेर का हिरण को करते हुए देखा है। जो बर्न को बुमराह ने शुरू में ही बर्नॉल दे दिया जी हाँ। इसके बाद मैथ्यू वेड हवा में बॉल मारने लगे, ये समझे कि इंडिया की फील्डिंग पहले टेस्ट वाली रहेगी, लेकिन वो भूल गए कि इंडिया के बेस्ट फील्डर रविंद्र जडेजा मैदान में वापस आ चुके हैं। जडेजा ने एक शानदार कैच पकड़कर वेड को चलता किया और फिर अश्विन ने 2 मैचों में दूसरी बारी सबसे खतरनाक बैट्समैन स्टीव स्मिथ को आउट किया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 65 runs 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन असली मजा तो लंच के बाद आना था भाई साहब। इस दौरे से पहले अपने पिता को खो चुके और क्वारंटीन रूल की वजह से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल न हो पाने वाले मोहम्मद सिराज ने अपने डेब्यू पर बढ़िया परफॉर्मेंस दिया जिसे देखकर कहीं ना कहीं उनके पिता को यकीनन उन पर नाज हुआ होगा। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट रन स्कोरर लबुसेन का विकेट लिया। इस बीच अश्विन और बुमराह ने भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को मंदिर का घंटा ही समझ लिया और जब चाहा बजाते गए। चाय आते आते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 136 रन पहुंच चुका था लेकिन उनकी आधी टीम आउट हो चुकी थी। चाय के बाद तो सच में इंडियन बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया का बंटाधार कर दिया था भाई साहब, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऐसी डूबी जैसे चाय में हमारा बिस्कुट डूबता है। पहले तो अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टीम को आउट करके हमारा पेन कम किया, उसके बाद सिराज और बुमराह ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पूंछ काट दी। आई मीन उनके टेल एंड बैट्समैन को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया वाले कुल मिलाकर 200 रन भी नहीं बना पाए। बुमराह 4 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर बने। शाम के समय बल्लेबाजी करने उतरी हमारी टीम इंडिया के सामने कम से कम 100 रन की लीड लेने का एक अच्छा मौका था, लेकिन क्रिसमस पर हमारे बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को इतने सारे गिफ्ट दिए थे तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहाँ पीछे रहते। पहले ही ओवर में स्टार्क ने अग्रवाल जी के लड़के मयंक को बिना कैलोरी घटाए बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटा दिया। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला वो बिल्कुल दिसंबर की सर्दी में हीटर की गर्माहट जैसा था। मतलब अपने डेब्यू कर रहे शुभमन गिल ने दिखा दिया कि उनको आने वाले टाइम का सचिन और कोहली क्यों बोला जाता है। गिल ने इतने करारे शॉट मारे कि उन्हें देखकर लगा कि क्रिस्टोफर नोलन टाइम मशीन क्रिएट करें और हम उसमें बैठ के पहले टेस्ट में जाके टीम इंडिया की लिस्ट में पृथ्वी शॉ का नाम काट के उनकी जगह शुभमन गिल का नाम लिख दें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना भाई साहब, गिल ने पुजारा के साथ मिलकर खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर वही कर दिया जिस स्कोर पर हम लास्ट टाइम ऑल आउट हो गए थे, यानी 36-36। लेकिन इंडिया के पास अभी भी 9 विकेट्स बाकी हैं और कल अगर हम पूरा दिन खेल गए तो शाम तक ऑस्ट्रेलिया वाले उनको याद करेंगे। किनको भाई साहब? अरे जिनको तू याद करता है बार बार। बिल्कुल, तो कल हम फिर से हाजिर होंगे कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद वीडियो को लेकर। हमारा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हेलो कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। मी एंड बउआ साइनिंग आउट। अरे मी एंड बउआ, सॉरी। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं, बाय बाय।